दीपक हुड्डा की बड़े भाई से हुई थी गाली गलौज, अब छोटे भाई की कप्तानी में रचा इतिहास। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरा मामला है, तो इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। दीपक हुड्डा ने रविवार को गेंदबाज के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 10 रन देकर 4 विकेट लिए। 27 साल के ऑफ स्पिनर का यह T20 करियर का बेस्ट प्रदर्शन है। मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 191 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने नवाज 111 रन की पारी खेली, जवाब में न्यूजीलैंड की 126 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर उतरे कप्तान केन विलियमसन ने जरूर 61 रन बनाए, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 22 नवंबर को ओपिनियन को खोला जाएगा। दीपक हुड्डा घरेलू क्रिकेट बड़ौदा टीम की ओर से खेलते रहे हैं। 2020-21 सीजन के दौरान उनका कप्तान कुणाल पांड्या से विवाद हो गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि कुणाल मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए मुझे धमकी देते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। विवाद के बाद दीपक को नहीं निलंबित कर दिया गया था। बाद में वे टीम से भी अलग हो गए थे। हालांकि IPL 2022 के दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। हुड्डा और कुणाल एक ही टीम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का हिस्सा थे। दोस्तों दीपक हुड्डा के लिए तो 1 लाख जरूर बताओ। ऐसे ही मैच से रिलेटेड वीडियो हर दिन अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।